ओम गंग गणपतये नमः। राधे राधे। आइए सुनते हैं गणेश जी की कृपा की कथा। किसी गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी माँ, पत्नी रीदा तथा एक 5 वर्ष का बेटा मनु रहता था। पूरा परिवार खुशहाल तथा प्रसन्न था। एक दिन की बात है, राजू काम से जब घर लौटा तो उसकी तबीयत खराब हो गई। पास के गांव से वैद्य जी को बुलाया। उन्होंने उसे दवाई दे दी, किंतु उसकी तबीयत में कोई सुधार ना हुआ तथा कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब परिवार की आजीविका पर संकट आ पड़ा। इधर राजू की मां का व्यवहार राजू की पत्नी तथा बेटे पर दिन खराब होता चला जा रहा था। वह दोनों को खूब ताने देती थी तथा भला बुरा कहती थी। एक दिन रीना की सास ने माँ बेटे को घर से निकाल दिया। दोनों रोते रोते घर से चले गए। अब सबसे बड़ा प्रश्न था कि आखिर इतने बड़े गांव में कौन उन्हें आश्रय देगा। कुछ दूर चलने पर उन दोनों को भगवान गणेश का एक भव्य मंदिर दिखाई दिया। गणेश जी की कृपा, मंदिर में एक बुजुर्ग पुजारी रहते थे। उनकी दृष्टि इन दोनों पर पड़ी तो उन्हें मंदिर में बुलाया तथा रोने का कारण पूछा। रीना ने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी यह सुनकर दुखी हुए तथा उन्होंने अपने परिचित के खाली पड़े मकान में उन्हें स्थान प्रदान किया। मंदिर में ही जो चढ़ावा आता था उसका थोड़ा भाग वह रीना और उसके पुत्र के लिए भेज दिया करते थे। रीना ने सोचा, चढ़ावे के पैसे से घर चला पाना कठिन है तथा उस घर चलाने के लिए कोई काम करना चाहिए, किंतु क्या काम करे। पंडित जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते, मंदिर की साफ सफाई करते तथा भगवान को अर्पित करने के लिए फूल तोड़कर लाते। यह देख रीना ने उनसे कहा कि पंडित जी, आपके स्थान पर मैं फूल तोड़ लाया करूंगी और उसकी सुंदर सुंदर माला तैयार कर दूंगी। पंडित जी ने कहा, अच्छी बात है, तुम माला तैयार करके उन्हें बेचकर पैसे भी कमा सकती हो। रीना को यह सुझाव अच्छा लगा। अगली सुबह उसने गणेश जी का आशीर्वाद लेकर माला बेचने का काम शुरू कर दिया। उसका बेटा मनु भी माँ के काम में हाथ बटाया करता था। ताजे फूलों से बनी माला देखकर ग्राहक उससे माला खरीदने लगे तथा कुछ ही दिनों में भगवान गणेश जी की कृपा से उसका काम अच्छा चल निकला। अब उसने छोटी सी दुकान ले ली थी। कुछ वर्षा के बाद उसका बेटा मनु भी बड़ा हो गया। तब एक दिन मंदिर में उस गांव के एक व्यापारी की पुत्री अपनी माँ के साथ आए। जब उसने रीना की दुकान से फूल लिए तो उसकी दृष्टि मनु पर पड़ी तो व्यापारी की पत्नी ने उनके बारे में पंडित जी से पूछा। पंडित जी ने सारी बातें बताई। उसके बाद वह घर लौट गए। शाम को व्यापारी से उसकी पत्नी ने उन माँ बेटी के बारे में बताया तथा अपनी पुत्री की शादी उससे करने का विचार बताया। व्यापारी को भी वर अपनी कन्या के लिए उचित लगा और विवाह के लिए तैयार हो गया। गणेश जी के मंदिर में दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। उस व्यापारी के कोई पुत्र न था, इसलिए उसने मनु को भी अपने साथ व्यापार में लगा लिया। मनु के परिश्रम तथा ईमानदारी से व्यापार में खूब प्रगति हुई। इधर रीना की सास की अवस्था खराब रहने लगी। वह अकेले रहती तथा खराब स्वभाव के कारण कोई भी उसकी सहायता न करता। एक दिन रीना अपने पुत्र से बोली, बेटा, तुम्हारी दादी बिल्कुल अकेली है तथा वृद्धावस्था के कारण बीमार भी रहती है। उन्होंने कैसा भी व्यवहार किया हो, किंतु है तो तुम्हारी दादी ही। उन्हें इस अवस्था में अकेला छोड़ना उचित ना होगा।
आज भगवान श्री गणेश की दया से हम संपन्न हैं, तो क्या न उन्हें भी अपने साथ ही रख लें। अगले दिन रीना अपने पुत्र तथा बहू के साथ सास के घर पहुंची। दादी ने जब उन्हें देखा तो बहुत खुश हुई, साथ ही उसे अपनी करनी पर पछतावा भी हुआ, जिस कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बहू रीना से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। रीना ने अपनी सास को क्षमा कर दिया और अपने साथ घर ले आए तथा सभी साथ में रहने लगे।